और आज मैं चल रहा हूँ अभी सब्जी मंडी, और मुझे गोभी लेना है। गोभी भी काफ़ी सस्ता है यार, तो अभी लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे तो गायों को खिलाना है। 8 रुपये किलो के हिसाब से मिला हुआ है। और अभी देखो सारे आ रहे हैं, और कितने सारे गाय है यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आज मैंने एक नोटिस किया है चीज़ें, इनको दे रखा हूँ, खा नहीं रहा है नीचे। हाँ, इनको अभी हाथ में दूंगा तभी खाएगा। देखिए शहर में गंदगी ना फैला के आप लोग ऐसे जगहों में आइए जहाँ पे। और देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये नन्ना सा गिलहरी पानी से उठ नहीं पा रहा है, और मुझे आवाज़ मिला था बस। देखो दोस्तों काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। दोस्तों अभी मैं इसको ना घर ले चलता हूँ। देखो अभी ये ठंड लग रहा है इसे, क्या पता बचे या ना बचे, काफ़ी देर से यहाँ पड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है और आई थिंक आप लोगों को भी हो गया होगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा फील भी कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत ठीक है। और अभी निकल रहा हूँ, देखो रूम पे भी कोई नहीं है क्योंकि सारे शादी में गए हुए हैं, और मैं भी जाता मगर मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से गया नहीं मैं। और आज मैं चल रहा हूँ अभी सब्जी मंडी से कुछ लेंगे, तो बाकी की प्रोसेस आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो बन रहिएगा चैनल पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। और यहाँ पे एक पक्षी है मैना, वो बहुत ही चिल्ला रही है, शोर मचा रही है, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं। गाइस अभी सब्जी मंडी में आ चुका हूँ, देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ है यार। देखो और इधर सब्जी दिखाई देगा, देखो। और इसका एक ब्लॉग बनाऊंगा, देखता हूँ। हाँ, और मुझे गोभी लेना है। गोभी भी काफ़ी सस्ता है यार, करीब 50 रुपये धरी, मतलब 50 रुपये का 5 किलो, 60 रुपये का 5 किलो अच्छी क्वालिटी का, और लो क्वालिटी का जो है वो 30 रुपये का किलो बता रहा है, 30 किलो का 5 किलो। अभी लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे तो गायों को खिलाना है, तो देखते हैं। गाइस मैंने ले लिया है और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और मैं आज मेरा दोस्त का साइकिल लेकर आया हूँ, और मेरा दोस्त गया हुआ है गाँव पे। और ये देख रहे हो कितना सारा गोभी है, 10 किलो गोभी लिया मात्र 80 रुपये, सोच सकते हो, मतलब 8 रुपये किलो के हिसाब से मिला हुआ है। अब बाहर 20 रुपये किलो बेच रहे लोग, तो चलते हैं आगे। गाय पहुंच गया हूँ, देखो गाय, मतलब मैंने दे भी दिया है आगे, मतलब इनको रोक नहीं पाया। और अभी देखो सारे आ रहे हैं, और कितने सारे गाय है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इनको अभी खिलाऊंगा। और खिलाने से मैं बोलूँगा ऐसे साबुत ना फेंक दे, इनको ना काट काट के दे, अभी मैं काट काट के दूंगा, और कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने की। तो बने रहिए ब्लॉग में। आज मैंने एक नोटिस किया है चीज़ें, इनको दे रखा हूँ खा नहीं रहा है नीचे। हाँ, इनको अभी हाथ में दूंगा तभी खाएगा, देख हाथ में दिया ना तभी खाएगा। तो मैं अभी खिलाता हूँ इनको, बने रहिएगा आप लोग। गाइस सारा गोभी तो खिला दिया, मगर और एक चीज रोटी लाया था, आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं कैसे गुड़ के पानी में भिगो के लाया था, और मतलब मैं खोल नहीं पाया, मतलब इतना भाग दौड़ लग गया, और ये लोग खा लिया, मतलब छीन छान के, अब सोच सकते हो। तो इसी तरीके से खाना खिलाना चाहिए। यार देखो अभी यहाँ पे गंदगी हो गया था, मैं थोड़ा साइड कर दिया है, तो ये गंदगी ना फैलाए, क्योंकि फिर बोलेंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई रखा जा रहा है। क्योंकि मैं जब गेट में एंट्री किया तो वहाँ पे कुछ लोग थे, तो उनके हिसाब से काम चलना है, बोला था जो साइड में ही रखे, रास्ते में ना डाल ले। और यहाँ से मैं अभी निकलूँगा, तो कैसा रहा ब्लॉग बताना, कॉमेंट करना, आप लोग भी करते हो या नहीं पता नहीं है। मगर देखो मेरे पास तो, मेरे घर में तो गाय है नहीं, और दिल्ली में किराए के मकान पर रहते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कभी कभार, कहीं भी देखता हूँ। अरे नन्ना सा गाय दिखाई दे रहा है, नन्ना सा बच्चिया दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्यूट सा दिखाई दे रहा है, और हाल ही में ये पैदा हुआ है, अभी कुछ ही दिनों का होगा, शायद एक हफ्ते का होगा, मुश्किल से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ से निकलता हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। बस मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया हूँ, जो शहर में गंदगी ना फैला के आप लोग ऐसे जगहों में आइए जहाँ पे गाय बछेरे रहते हैं, वहाँ पे दीजिए, वहाँ पे गंदगी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एरिया बनाया गया है गायों के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, जैसे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को।
सबसे पहले गाइज अभी देखो मैं अभी जा ही रहा था यहाँ से गुजरते हुए और मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। और देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये नन्ना सा गिलहरी पानी से उठ नहीं पा रहा है और मुझे आवाज़ मिला था बस। और इसको अभी मैं निकाल के छोड़ता हूँ, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। आजा देखो दोस्तों काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, इसे सुखाता हूँ थोड़ा सा। रुक जा। गर्म चाहिए, इसे गर्मी चाहिए दोस्तों, तो मैं इसे थोड़ा सा गर्मी देता हूँ फिर इसे छोड़ूंगा आराम से। ओहो तो काफी बुरा लगता है यार ऐसा। दोस्तों अभी मैं इसको ना घर ले चलता हूँ, देखो अभी ये ठंड लग रहा है इसे, क्या पता बचे या ना बचे, काफ़ी देर से यहाँ पड़ा होगा। और मैं इसे रूम पे ले जाके कुछ खाना वाना खिलाऊँगा और जैसे ये हेल्दी हो जाएगा फिर इसे छोड़ दूँगा। तो सही है या नहीं कमेंट कर देना, ऐसा ही करना चाहिए या नहीं। बाकी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर छोड़ दूँगा तो ये क्या पता किसी का शिकार हो जाए, तो शिकार से बचे पहले ये तंदुरुस्त हो जाए, एक दो दिन मेरे पास रहेगा फिर रिलीज कर दूंगा। गाइस अभी फाइनली रूम पे आ गया हूँ और गिलहरी जो था ना वो भाग गया यार, भाग गया मतलब जैसे ही ये बैग में रखा हुआ था, और बैग में रखा हुआ था तो ये एकदम गर्मी में हीट में एकदम बढ़िया एकदम तंदुरुस्त हो गया। और इसका पानी भी मैं इसका पेट को दबा कर निकाल दिया था उल्टा करके। और अभी बस अभी मैं रूम पे आने वाला था, पहुंचने वाला था, थोड़े से आगे मैं सोचा है इसको देखूं जिंदा भी है या मर गया है, तो ये भाग गया। चल भाई अच्छी बात है, मैं तुझे छोड़ने ही वाला था। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करना दोस्तों, आ गया फाइनली, आज एक कदम उठाया तो एक का जान बचाया, आज बहुत सुकून मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों ऐसा मौका कभी कभी मिलता है।